मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। मैं बहुत अच्छा हूँ। बहुत स्वागत है हमारे मीडिया कर्मियों की तरफ से। थैंक यू सो मच इतने सारे चैनलों के लिए। सलाम नमस्ते, मैं हूँ रवि यादव, प्यार से आप लोग मुझे चंबल बॉय कहते हैं। और सर ने पूछा कि मेरी नई फिल्म आ रही है पांचाली, तो उस फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा कि बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, मेरी पहली फिल्म है। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मिस्टर देव पांडे जी, जिन्होंने भोजपुरी की बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। और दिस फिल्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाई वन एंड ओनली द ग्रेट लेजेंड ऑफ भोजपुरी सिनेमा, वो ना किसी नाम के मोहताज नहीं है परिचित के, मिस्टर राजकुमार आर पांडे जी, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को, और एक भोजपुरी को अलग दिशा में ले जाने का उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तो आई एम हैप्पी। इस फिल्म में जो सबसे बड़ी चीज़, जो मेन हीरोइन है रानी चटर्जी जी हैं, और प्रमोद प्रेम यादव भाई है, रंजीत जी हैं, युधारी बाबू हैं, वर्सटाइल एक्टर मनोज आई थिंक उनका नाम, जिनको आप लोग बता सकते हैं चाचा के नाम से जानते हैं, मनोज सिंह टाइगर जी हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है सर मुझे। आपका क्या किरदार है उस फिल्म में? उस फिल्म में मैं एज अ सेकेंड लीड लॉन्च हो रहा हूँ। और किरदार का क्या नाम है इस फिल्म का? किरदार कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई अफसर बनता है, कोई पुलिस वाला बनता है, आप क्या इस फिल्म में? इस फिल्म में मैं सिंगर बना हूँ, बेसिकली सिंगर हूँ। इस जो इस फिल्म की कहानी है, जो आजकल का जो भोजपुरी का ट्रेंड बना हुआ है कि अगर आप सिंगर हो तो आप हीरो बन सकते हो, अगर आपका लुक नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके अंदर, लेकिन आप सिंगर हो, गंदे गाने गा कर आप हीरो बन जाओगे, ये जो लोगों की मेंटेलिटी है वो इस फिल्म को बिल्कुल हटा देगा। लोग समझेंगे कि सिंगर बनना ही सब कुछ नहीं होता है, यू शुड हैव अ प्रॉपर फिजिक, गुड क्वालिटी ऑफ स्पीकिंग, तो वो सब होना बहुत ज़रूरी है। इस फिल्म के माध्यम से जितने भी लोग हैं सबको पता चलेगा कि सिर्फ सिंगर ही नहीं है, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ होना चाहिए। या फिल्म में रानी चटर्जी हैं, कभी डर नहीं लगा उनसे आपको काम करते समय? या जैसे पहले मैंने इंटरव्यू दिया था सर को, तो फर्स्ट और सेकंड डे दो दिन तो मैं उनको सिर्फ देखता रहा, बिकॉज एक होता है ना कि हम नए हैं, मैं तो एकदम बिल्कुल नया हूँ भोजपुरी सिनेमा से, बहुत दूर दूर तक मेरा रिश्ता नहीं है, मैं बिल्कुल नया हूँ। तो आप अगर किसी स्टार के साथ काम करते हो जो भोजपुरी इंडस्ट्री की रियल में रानी जी हैं, जिनको कहते हैं बहुत पुरानी हीरोइन है, तो आप अगर उनको देखते हो, बचपन से देखते आ रहे हो, इनकी फिल्मों को देखते आ रहे हो, तो आपको भी अगर जितने भी लोग हैं कोई सडनली उनको देखेगा तो शॉक हो जाओगे कि मेरी फिल्म में रानी जी हैं। तो मैं तो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि रानी जी मेरी फिल्म में हैं। तो दो दिन तक तो मैं रहा, थोड़ा डर लग रहा था बात करने में, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि उनका नेचर, उनका बिहेवियर मैंने देख कर वो सच में रियल में रानी है, और आज एक अच्छे बड़े लेवल पर हैं, तो उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका बिहेवियर और नेचर की वजह से कितना बहुत माने लगता है। एक्चुअली जो ये बात है, मैं और रानी जी बैठे हुए थे एक बार, तो वो बोल रहे थे कि मैंने उनको बोला कि आप पहले बहुत मोटे थे, आप बहुत पतले हो गए, बहुत अच्छा किया आपने। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मुझे अभी 10 किलो वजन और कम करना है। तो एक पुरानी हीरोइन होने के नाते उन्होंने ये किया तो बहुत बड़ी बात होती है, और वेट कम करना इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी अपना वेट कम किया था, मेरा 95 था पहले, बहुत मोटा था मैं, तो फिर मैंने 72 किया, 2.5-3 महीने में मैंने करीब 20-25 किलो वजन घटाया था अपना। तो रानी जी ने बहुत मेहनत किया है, और पेट कम करना, वेट कम करना, फैट लॉस करना इसका बहुत बड़ा टास्क होता है, किसी के लिए भी बहुत मेहनत की है, तो बहुत अच्छा लगा। भोजपुरी में किस हीरो फॉलो करते हैं? वैसे तो सभी अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़े हैं, लेकिन मैं रवि जी को बहुत मानता हूँ, रवि किशन जी को बहुत मानता हूँ, उनकी बहुत फिल्में देखी है मैंने, और जब भी उनको देखता हूँ मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है, और ना जाने कब उनसे मिलने की तमन्ना पूरी होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके फुटस्टेप पर चल सकूँ। बाकी सभी हीरो बहुत अच्छे हैं, लाइक खेसारी लाल यादव जी, उनकी फिजिक देख लीजिए, कमाल की बॉडी है वो, उनकी बॉडी के मामले में वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खेसारी लाल यादव जी। उनका कौन सा फिल्म सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा था? मैंने उनकी एक फिल्म देखी थी अभी रिसेंटली, फिल्म आई मेहंदी लगा के रखना, वो बहुत अच्छी थी, गुड कॉन्सेप्ट था। आई थिंक भोजपुरी को एक अच्छे लेवल पर वो सिनेमा ले जाया है। देन दिनेश लाल यादव निरहुआ सर हैं, और पवन जी हैं, और मल्टी स्टारर जो प्रदीप आर पांडे चिंटू भाई हैं, जितने भी लोग हैं मैं सभी को मानता हूँ, लेकिन मेरा जो दिल में है, मैं जिनको चाहता हूँ, वो रवि किशन जी हैं, और अच्छा लगता है मुझे सर। राजकुमार पांडे जी को कहना चाहेंगे?
आई थिंक मैंने बहुत पहले ही कहा था कि अगर वो मुझे चांस नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि इस इंडस्ट्री में मुझे कोई ला सकता था। तो ये लाइन ही बहुत बढ़िया है जो मैंने बोल दिया कि अगर वो मुझे चांस नहीं देते तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे काम देता। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ काम करना, और बहुत अच्छे इंसान है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बारे में 99% वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं रवि यादव क्या चीज़ है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है उसका, कितनी मेहनत की है उन्होंने। तो बहुत अच्छा लगता है। देव पांडे कितना सपोर्ट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा, देव सर तो बहुत ही ज़्यादा। जब मुझे पता चला कि देव सर ने काफ़ी फिल्में की हैं तो मुझे लगा कि कहीं मेरे सपने जैसा तो नहीं है। तो मैंने देव सर को पहले ही कहा था एक बार कि सर मैं नया हूँ, तो देव सर बोले कि बेटा तू टेंशन मत ले, मेरे लिए अगर मैं किसी स्टार के साथ काम करता हूँ या किसी के साथ भी काम करता हूँ वो सेम चीज़ रहती है, सेम डायरेक्शन रहता है, सेम थिंकिंग रहती है, सेम बिहेवियर होता है, तो बिल्कुल तो टेंशन मत ले। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो उनके साथ काम करके। शूटिंग कहाँ हुई और कितने या फिल्म की ओवरऑल शूटिंग खत्म हो चुकी है, लखनऊ में पूरी शूटिंग हुई है हमारी, और वहाँ आई थिंक 25 या 26 दिन शूटिंग चली थी। वहाँ लखनऊ में 20-30 किलोमीटर एक गांव है इंदौरा बाग, वहाँ इस फिल्म की शूटिंग हुई है और बहुत ही अच्छी शूटिंग हुई फिल्म में। वहाँ गांव से मुझे बहुत प्यार मिला, आज भी फ़ोन आते हैं कि भैया आप गांव कब आओगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ज़्यादा दर्शकों से जाएंगे या मैं सभी लोगों से, जितने भी लोग हैं जो भोजपुरी जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं, उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि मैं भोजपुरी में नया हूँ, पहली फिल्म है मेरी पांचाली, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आप जितने भी लोग हैं उनको निराश ना करूँ। आपकी जो आपने जो मेरे से एक्सपेक्ट किया है कि भोजपुरी को अच्छे लेवल तक ले जाऊँ, गंदी फिल्म ना करूँ, कोशिश करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ जितने भी लोग हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है मेरा रवि यादव के नाम से, और बस आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए रवि यादव को। रितु सिंह के ऊपर भी हमला हुआ था, कुछ कहना चाहेंगे? या मैंने फेसबुक चला रहा था मैं, तो एक पोस्ट देखी थी जो भोजपुरी इंडस्ट्री के पीआरओ हैं संजय जी की, क्योंकि तो उन्हीं के यहाँ से खबर मिलती है, बाकी का तो मुझे नहीं मालूम। तो सडनली मैंने पोस्ट देखी तो मैंने फ़ोन को कट करके तुरंत उनको जो वहाँ काम कर रहे मेरे दोस्त हैं फिल्म के प्रोड्यूसर, उनको फ़ोन किया। मैंने बोला क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तो आप बताइए ना, यहाँ से कोई हेल्प चाहिए हो तो। तो उन्होंने कहा अभी ठीक हो गया, लेकिन ये बहुत ही दुखद है, बहुत गलत है। एक एक्ट्रेस के ऊपर होना कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हम तो एक्टर होते हैं, जो लड़कों में थोड़ी सी ताकत ज़्यादा होती है तो हम थोड़ा सहन कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ जो होती हैं बहुत ही नरम दिल की होती हैं तो डर उनको ज़्यादा लग जाता है। तो रितु जी के ऊपर ये हुआ तो बहुत ही दुख हुआ मुझे, मैंने सभी को बोला भी था। खैर अब ठीक है, तो बहुत खुशी हुई कि वो अभी सही सलामत हैं, और लेकिन गवर्नमेंट को इसके ऊपर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए, सेफ्टी देना चाहिए एक्टर को। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।